अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपनी पाक कलाम अंदर इरशाद फरमाया फरमाया जी वरत्तिलिल कुरआन तर्तीला। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह फरमाया इस कुरान नु बड़ी तरतील नाज़िल फरमाया। मैं मफहूमन तर्जमा करदा जावा बड़ी तरतीब बड़ी तरतील नाल जिमें जिमें आसमाना तो कुरान मजीद नाजिल होया जिमें जिमें अरशां तो कुरान नाजिल होया उवें उवें सहाबा अमल करने वाले बन गए। यकदम सारे दा सारा कुरान ही नहीं नाजिल हो गया, अल्लाह सारे दा सारा कुरान एक यक मुश्ती अता फरमा सकते सन मेरे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदरे तहरते नाजल फरमा सकते सन। जिबरील तो बगैर भी कुरान आ सकता सी लेकिन नहीं 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 जिते जिते जरूरत पैंदी रही जिते जिते साहबा नू मसाइल पेश आंदे रहे अल्लाह खल्ला अल्लाह उवे उवे अरशा तो कुरान नाजल होंदा रहा। अल्लाह अकबर जदों एदे पढ़ने दी बारे अंदर एदे पढ़ने दे बारे अंदर अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह ने इस आयत नू नाजल फरमाया للقرآن ترتيلا फरमाया इस कलामे पाक नू जदों पढ़ना है बड़ी तरतील नल बड़े प्यार नल बड़ी लहने दाऊदी नल यानी के खुशनुमा आवाज नल बड़े प्यार नल समझ समझ के ठहर ठहर के एदे मजे लेंदिया होया एदा सुरूर हासिल करदिया होया अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 यानी कैफियत तब्दील होंदी चली जाए। इंजल्ला दा कुरान पढ़ना ते सुनना गिना जदों कुरान पढ़िया जा रहा होए करीब आवाजा नहीं कसनिया कोई गल नहीं करनी एते मक्के दे मुशरिकां ते काफिरां दा वतीरा होया करदा सी जदों अल्लाह दा कुरान पढ़िया जांदा ए शोर मचांदे मता कोई मुहम्मद अरबी दे कोलों कुरान सुन करके कुरान दे पिछे ना चल पवे मुहम्मद दा कलमा ना पढ़ लवे। अल्लाहु अकबर काफिर शोर करिया करदे सन अल्लाह अकबर अल्लाह 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 लेकिन अज दे मुसलमान तू गाने सुने ते बुलंद आवाज नाल कदे कोई मसला नहीं पेश आया। जदों किते महफिल हुस्ने किरात या कोई दरसे कुरान हो रहा होवे अल्लाह दे कुरान नू समझिया समझाया जा रहा होए रब दा कुरान पढ़िया पढ़ाया जा रहा होए तू अनज मस्जिद दे करीब घर ले लिया हुण ते सुकून ही नहीं होंदा अजाना दी आवाज आई जांदियां ने किधरे कुरान दियां आवाज़ां पई जा रही ने हुण ते सुकून। मैं बड़े बंदे अपनी जिंदगी दे अंदर नाम ने आद मुसलमान मुसलमाना दे नाम ते धब्बा बने हुए ऐसे बंदे बहुत तादाद कसीर तादाद अंदर वेखने अंदर आए ने ना जिहड़े कहंदे ने जी मस्जिद दे कोल घर ना होवे उतों क्यों जी उत्थे ते बोलिया जांदा है उत्थे नमाज पढ़नी पेगी लोग बेनमाज आखणगे जुमा पढ़ना पे गा लोग आखणगे ते जुमा ही नहीं पढ़दा है ते मुसलमान ही नहीं है ना ना जिना किधरे दूर ही होवे ताके लोगां दीयां नजरां तो बच करके रह सका ना ना हो मुसलमान ए सोचा शैतानी सोचा ने ना रब दी रब रहमान दी तरफ ऐसियां सोचा नहीं आया कर दियां। हाँ हाँ जिहड़ा मुसलमान होया करदा है ओ नेकी दी तरफ आंदा है ना ओ रागिब नेकी दी तरफ होंदा है ओदा दिल करदा है मेरा घर मस्जिद दे करीब होए मेरे बच्चे मस्जिद अंदर जा करके नमाजा पढ़न ते नमाजी बन जान मदरसे दे अंदर मेरे बच्चे जा करके रब दा कुरान पढ़न रब दे कुरान नू पढ़न गे घर आके भी कुरान पाक दी तिलावत होएगी साढ़े घर दे अंदर रब दियां रहमतां दा नुजूल हो जाएगा। उन्हां लोगां दियां ते ऐसियां सोचां होया करदियां ने ना आ जरा सुनदा जा तेनू मुख्तलिफ नबी अलैहि सलाम दे फरमान सुनांदा जावां। एक साइड ते अशार होण एक साइड ते सोहणे नबी दे फरमान होण केड़ी चीज सुनोगे दस्या जे जरा
नबी दा फरमान सुनोगे। एक साइड ते अशआर होण, एक साइड ते रब दा कुरान होए, किहड़ी चीज़ नूं पसंद करोगे? रब दे कुरान नूं पसंद कीता जाएगा। ये मुसलमान दिलों ये बात कर रहा होंदा है, भावें अमल जैसे होण लेकिन इहदा दिल ये कर रहा होंदा है। अल्लाहु अकबर ला ला। सुनो फिर नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान, पहली हदीस हदीसे बुखारी है, बुखारी पाक अंदर रिवायत मौजूद है ना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी हजरत अबू मूसा अशारी रज़ियल्लाहु तआला इस हदीस दे रावी ने ना बयान कर देने, नबी ने फरमाया फरमाया जेड़ा मोमिन कुरान पढ़ के एदे ते अमल करदा है ना, ओदी मिसाल नारंगी फल जैसी है ना। नारंगी फल तुसी वेखिया होएगा, खादा भी होएगा ना, अल्लाहु अकबर तनावल भी फरमाया होएगा, यानी ओदी मिसाल नारंगी फल जैसी है ना। नारंगी फल यानी जेड़ा कुरान पढ़दा भी है एदे ते अमल भी कर ना, वो नारंगी फल जैसा क्यों? उस फल दी उस फल दा जायका भी अच्छा, ओदी खुशबू भी अच्छी, ओ जायके अंदर भी बेमिसाल है, ओ खुशबू अंदर भी बेमिसाल है। अल्लाहु अकबर ला ला। हुण दूसरा ओ मोमिन ना जेड़ा कुरान दी तिलावत नहीं करदा लेकिन एदे ते अमल करदा है। तिलावत नहीं करदा पढ़दा नहीं है लेकिन एदे आम एदे ते अमल करदा, एदे अहकामात अमल बजा लैंदा है ना। ओ मोमिन जड़ा है ना ओदी मिसाल खजूर दी तरह है ना, यानी ओदा जायका मिठा है, ओदा जायका बड़ा आला है लेकिन एदी खुशबू नहीं है ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। हुण उस फाजिर मुनाफिक दी मिसाल सुनदे आ जाना। अल्लाह दे नबी फरमा रहे ने ना, फरमा जेड़ा कुरान पढ़दा है मुनाफिक फाजर दी मिसाल, जेड़ा कुरान पढ़ने वाला अल्लाहु अकबर ला ला, एदी मिसाल खुशबूदार पौधे दी तरह है ना, यानी कि ओदी खुशबू है ओदा जायका कड़वा है। अल्लाहु अकबर ला ला। हुण सुनदे आ जाना, उस मुनाफिक फाजर दी मिसाल जेड़ा कुरान नहीं पढ़दा, अल्लाहु अकबर लाला। ना कुरान यानी मुनाफिक कुरान पढ़ने वाला, एक मुनाफिक फाजर कुरान ना पढ़ने वाला। हुण जेड़ा पढ़दा है ओदी खुशबूदार पौधे दी तरह मिसाल, यानी खुशबू चंगी ते जायका कड़वा। दूसरा मुनाफिक फाजर ओदी मिसाल जेड़ा कुरान नहीं पढ़दा, ओदी मिसाल तुम्मे दी तरह है ना, जेदा जायका भी कड़वा जेदी खुशबू भी कड़वी। अल्लाहु अकबर। क्या खूबसूरत अंदाज नाल मेरे आका ने कुरान पाक दे बारे अंदर सहाबा नु समझाया। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अगली हदीस मुबारक सुन दे आ जाना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। सुनन इब्ने माजा हदीस पाक दी किताब ना, हजरत जुंदुब बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला बयान कर दे ना, असी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल सना, यानी असी अल्लाह दे रसूल दे नाल सना, असी समझदार नौजवान सा, हुजूर दा साथ मिलिया उतों असी समझदार भी सना। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। हजरत जुंदुब बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने ना, कहंदे ने असी कुरान सीखने तो पहले नबी अलैहिस्सलाम कोलों ईमान सिखिया, यानी पहले असी ईमान सिखिया, ईमान तो बाद असी कुरान सिखिया। अल्लाह 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 अल्लाह। और इस कुरान नु सीखने दी वजह करके असी ईमान अंदर वधदे चले गए, यानी कुरान पढ़ दे गए ईमान वधदा गया।
कुरान पढ़ते रहे ईमान बढ़ता रहा। अल्लाह अकबर लाला। एक और हदीस पाक सुनते हैं जाना, सही मुस्लिम शरीफ अंदर रिवायत मौजूद है ना, हजरत आयशा रजी अल्लाह मेरी तेरी अम्मा जान, अम्मी जी का नाम आया मुहद्दिसा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आलिमा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, फाजिला आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अकबर हाफिजा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा जान बयान कर दिया ने अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा जो कुरान यानी जेड़ा कुरान पढ़ने दे अंदर माहिर ना, जेड़ा माहिर कुरान दा यानी कारी कुरान, यालमून तालमून अंदर ही टाइम नहीं गुजारिया, यालमून तालमून यानी रट्टे ही नहीं लाए, नहीं समझ आई। सोशल मीडिया ते पिछले दिन जो एक क्रिप वायरल होया साहब, वो मौली साहब एडी तेज कुरान पढ़न ते एडी तेज तलावियां पढ़न, छाला मार मार सजदे जान मौली साहब, वाह भाई वाह। की ये बाद चो पता चलिया ये दुनिया दा तेज तरीन कुरान ते तरावी पढ़न दा रिकॉर्ड बना रहा है, वाह भाई वाह क्या बात है। अल्लाह फरमाए हौली हौली ठहर के खुशी व खुजू नाल नमाज पढ़नी है, तो कुरान में जड़ी पहले आयत पढ़ी वरतिल कुरान तरतीला। मौली साहब कहते हैं कि जनाब मैं जड़ा ना स्पीड के अंदर ही मुकाबला स्पीड अंदर ही गिनीज बुक च जड़ा ना मैं रिकॉर्ड बना के दर्ज करा देना। माज अल्लाह किधर जाते पे हो मुसलमानों, अल्लाह अकबर लाला यानी माहिर कुरान की बात हो रही है ना। हजरत आयशा फरमाते हैं जड़ा कुरान पढ़ने के अंदर माखिर ना, कयामत वाले दिन मुअज्जज तेने को का फरिश्तियां अंदरों होएगा, यानी मौजदस ते नेकोकार फरिश्तियां च होएगा वो बंदा। अल्लाह अकबर लाला। अगे सुन दिया जाना जरा, नाले फरमाया और जेड़ा कुरान करीम अटक अटक के पढ़दा है ओनू अटक 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 के पढ़ने नाल, यानी इस मुशक्कत दी वजह करके शाकुल्लाहु अजगान। फरमाया मेरे हजरत हाफिज जी हाफिज यही आजीद मीर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह याद आए, हाफिज साहब फरमाया करते सन तबलीगी जमात दे अमीर, हजरत आप साहब फरमाया करते सन बुजुर्गों मुखातिब हो करके कहते ने बाबे ओ नौजवानों ते कुरान पढ़न दा सिंगल सवाब है ना, कहरा सवाब तुहानू कुरान पढ़न दा डबल सवाब है दोहरा सवाब है। हजरत जी ओ किवें? फरमाया एक कुरान पढ़न दा दूसरा अड़न दा। हदीसे पाक शाकुल्लहू अजरान, जेड़ा अटक अटक के पढ़दा है जेड़ा सही करन दी कोशिश करदा है बार बार पढ़दा है आड़ आड़ के पढ़दा है, अल्लाह फरमाया उदे वास्ते दोरा अजर है। सुभान अल्लाह अल्लाहू अकबर लाला। अगे सुनदे आ जाना, हसन दर्जे दी रिवायत बयान करदा जावा, अल्लाहू अकबर अबू शुरह खुजाई वाली हदीस बयान करदे ने ना कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे कोल तशरीफ ले आए ने ना, ते अल्लाह दे नबी ने फरमाया खुश हो जाओ। यार क्या सहाबा दे बारे ने आ रहे होने ने, हजूर तशरीफ ले आए हजूर फरमाया खुश हो जाओ, ते सहाबा ते बाग बाग हो गए होने ने कि हजूर ने फरमा जिन्हों नबी फरमा दें मेरे हजूर मेरे आका फरमा दें खुश हो जाओ, वह गमगीन रह सकता है भला है, वह कभी गमजदा हो सकता हजूर फरमा खुश हो जाओ। अल्लाह अकबर ला ला ला। क्या तुसी गवाही नहीं देंदे कि अल्लाह तो इलावा कोई महबूद नहीं है और मैं मुहम्मद अल्लाह दा रसूल हां, क्या गवाही नहीं देंदे? सहाबा अर्ज कर दे नाम जी जी या रसूल अल्लाह जी अल्लाह दे रसूल असी गवाही देने आं। अल्लाह दे नबी ने फरमाया फरमाया एक कुरान एक रस्सी है, इस रस्सी दा एक सिरा अल्लाह दे हाथ अंदर और दूसरा सिरा तुहाडे हाथ अंदर है ना। अल्लाहु अकबर लाला अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे नबी ने फरमाया तुसी इनू मजबूती नाल पकड़ लवो, इनू पकड़न दी वजह करके तुसी हरगिज गुमराह नहीं होवोगे और इहदे तो बाद तुसी कदी हलाक भी नहीं होवोगे। एक सिरा इस रस्सी का अल्लाह के हथ अंदर तो है ही है,
हुण दूसरा सिरा मेरे तेरे हाथ अंदर होना है। अल्लाह दे नबी दी हदीसे पाक दे हदीसे पाक दी मुताबकत अंदर दूसरा सिरा किहदे हाथ अंदर बोलो साढ़े हाथ अंदर कहो इंशाअल्लाह भावें थोड़ा बहुत भावें यार एक कैद का ही सिरा तुसी फड़िया होया है कुरान ते फड़िया है ना तुसी। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह फरमाया तुसी कदी गलाक नहीं होवोगे सुभान अल्लाह। कुरान हुण जो लोग जेड़े कुरान दियां मजलसां करदे ने जेड़े महफले हुस्ने किरात कराने वाले जेड़े कुरान दरसे कुरान कराने वाले जेड़े जलसे कराने वाले जेड़े कुरान दियां महफलां सजाने वाले जेड़े मस्जिदां नूं आबाद करने वाले पार्कां नूं आबाद करने वाले गलियां मुहल्लियां नूं और अपनियां हवेलियां नूं रब दे कुरान नाल आबाद करने वाले लोग ने उन्हां दे बारे अंदर भी अल्लाह दे नबी ने कुछ फरमाया है। मुस्लिम शरीफ हदीसे पाक दी किताब ना अल्लाहु अकबर रावी ए हदीस इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अबू हुरैरा बयान कर देने ना अल्लाह दे नबी ने फरमाया फरमाया के जो लोग अल्लाह दे घरां विचों किसी घर दे अंदर हदीसे पाक अंदर घरां चो घर अंदर तज़करा आया है अल्लाहु अकबर कबीरा यानी जेड़े लोग अल्लाह दे घरां चो किसे घर दे अंदर जमा हो करके अल्लाह दी किताब दी तिलावत कर देने ना और आपस अंदर एक दूसरे नाल मुज़ाकरा कर देने अल्लाह दे घर अंदर जमा हों देन एक मजलस लगा देन एक महफल सजा दिन महफले उसने किरात रख दिन दरसे कुरान दी मजलिस सजा दिन सुभान अल्लाह और कुरान 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 दियां बहारां लगा दिन कुरान ते मुजाकरा कर देने ना यानी कदी कोई पढ़ के सुनांदा है कदी कोई पढ़ के सुनांदा है कदी किसे नु कोई सवाल होंदा है कदी किसे नु कोई सवाल होंदा है कदी कोई साहिब इल्म उठ करके खड़े हो करके अल्लाह दे कुरान दी तफसीर बयान कर देने ना अल्लाहु अकबर दरस देंदे ने यानी कुरान पाक दा मुजाकरा कर देने अगे हदीसे पाक दे लफ्ज ने ना फरमाया या दरस देंदे ने सुभान अल्लाह अल्लाह पाक दी तरफों उन्ना ते आसमाना तो सकीनत नाज़िल होंदी है। कदी गौर कीता होए वड्डी तो वड्डी महफिल मजलस अटेंड करें कदे तेनू सुकून नहीं मिलेगा अल्लाह दे कुरान दी महफिल चाहेगा तेनू सुकून मिल जाएगा। बस बंदे तो ऐसा आके सो ही जाते हैं एडा सुकून आंदा कि उन्होंने बस सुकून हाँ 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 वो प्यारे वो डिप्रेशन का शिकार बंदा तो नींदर दियाँ गोलियां खाता वह तो खबरे किड़े किड़े पापड़ वेलद तो अल्लाह का कुरान सुन के सकीनत नाजल होंगी है। तो जरा जिन्हों ज्यादा सकीनत नाजल हो सौन की कोशिश करो वजू करके आ जाए दोबारा जरा थोड़ा ठंडा होकर बवे ताकि मसाइल मसाइल तो अगाही हो सके मजलस बर्बाद ना हो। अल्लाहु अकबर लाला अरशा तो यानी कि सकीनत नाजल होंगी है ना और रब की रहमत तो नानू ढांप लेंदी है जिमें साए बान ने साए अंदर ढांपया होया अल्लाह की रहमत तो नानू कज लेंदी है सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर लाला और इत्थे ही बस नहीं और फरिश्ते उन्होंने घेर लेंदे ने सकून नाजल होया रहमत नाल ढके गए फरिश्तियां ने उन्होंने घेर लिया ते अल्लाह सुबहानहु व तआला आसमाना ते मौजूद अपने फरिश्तियां दे अंदर जिहड़े उहदे कोल मौजूद फरिश्ते होंदे ने ना अल्लाह उन्हां फरिश्तियां दे अंदर इन्हां लोगां दा तज़करा फरमांदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा हदीसे पाक दी किताब केड़ी है मुस्लिम शरीफ याद रखना अल्लाहु अल्लाह यानी मैं इंज नक्शा खिंचदा जावां ते गल दोहरी नहीं होएगी ना अल्लाह अल्लाह के यकीनन अज भी अल्लाह दे दरबार अंदर अल्लाह आसमाना ते मेरा तेरा ते हर उस बंदे दा तज़करा जिक्र फरमा रहे होणगे जिहड़ा जिहड़ा कुरान दी मजलिस अंदर शरीक होएगा। अल्लाहु अकबर ला 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 ना जान दिया करो इन्हां महफिलां नूं ना जान दिया करो इन्हां मजलसां नूं ना जाने दिया करो खुतबात जुमातुल मुबारका नूं अल्लाहु अकबर ला ला अल्लाह इन्हां दा जिक्र करदा है ना हदीस पाक दा आखिरी जुमला पेश करदा जावा अल्लाह दे नबी ने फरमाया फरमाया जिन्नू ओहदा अमल पिछे कर देवे ओहनू ओहदा नसब अगे नहीं कर सकदा।
यानी जेड़ा अमलों कोरा है, अमलों कोरा है, जेड़ा बंदा जेड़ा अमलों कोरा है उंजी कोड़ा है, जेड़ा अमलों कोरा है वो तू जिन्ना मर्जी आखी जा सैयद दी सीन नू सलाम है सोने हैं, उत्थे सीन नू सलाम नहीं चलनी। नबी पाक ने जिथों इस सिलसिले ते लड़ियां चलियां, आपने अपनी बसातु मिन्नी फातिमा सैयदतु निसाई अहले जन्ना फातिमा, हुजूर ने फरमाया सी मेरी फातिमा बेटी मेरे जिगर दा टुकड़ा, ए मेरी फातिमा बेटी तू जन्नती औरतां दी सरदार, सुबहान अल्लाह। ते नाले फरमाया सी इमली या फातिमा, फातिमा पुत्र अमल करी, उत्थे अमलां ते नबेड़े होने ने, उत्थे गल एवें जान नहीं छुटनी मेरी धीए। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, यानी जिन्नू जेदा अमल पिछे कर देवे उन्नू उहदा नसब अगे नहीं लैके जा सकदा। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। अगे सुनदे आ जाना, एक होर हदीसे पाक बयान करदा जावा। हदीसे पाक दी किताब इब्ने माजा है ना, इब्ने माजा अंदर हसन दर्जे दी रिवायत है ना, रावी ए हदीस हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने ना, अल्लाह दे नबी ने फरमाया, फरमाया लोगां विच्चों अहलुल्लाह भी ने, लोगां विच्चों अल्लाह वाले भी ने ना। उन्होंने अर्ज की, जनाब ओ अहलुल्लाह कौन ने, अल्लाह अल्लाह वाले कौन ने ना, पूछा गया सवाल होया। फरमाया ओ हामिली ने कुरआन ने, ओ लोग हामिल उठाने वाले नू, ओ लोग जिन्होंने कुरान नू उठाया होया, जिन्होंने कुरान नू सीने लाया होया, जिन्होंने मस्जिदां ते मदरसियां नू आबाद कीता होया, जिन्होंने कारी कुरान नू सहारा लाया होया, जिन्होंने हुफाज़े कुरान नू कंड लाई होई है ना, मोढ़ा लाया होया, यानी जे ओ लोग जेड़े कुरान नू उठाण वाले ते यानी इन्हां नू सहारा लाण वाले ए लोग शामिल होणगे सारे दे सारे। हामिली ने कुरान अल्लाह वाले ते ओदे खवास ने, अल्लाह वाले ते अल्लाह दे, अल्लाह वाले भी ने ते अल्लाह दे खास भी ने, उस रब दे खवास ने। कौन? हामिली ने कुरान, जेडे कुरान नू उठाए होए। इसे करके सुने मैं कहना कुछ नहीं ना कर सकता, कम अज़ कम एक फैमिली चो यार एक हाफिज़े कुरान ते कारी कुरान ते लाजमी होना चाहिए ना, कम अज़ कम उत्थे जाके वो जिहड़ी सिफारिश वाली आवाज़ वजनी, अल्लाह ने जिन्हों हुक्म देना है ना, याद रखी, अल्लाह ने जिन्हों सिफारिश का हुक्म देना उसकी सिफारिश रब ने मननी नहीं है। हाँ, उसकी सिफारिश समझ कबूल होगी जिन्हों हुक्म मिल गया, तो हाफिज़े कुरान कारी कुरान इन्हों हुक्म होएगा हाँ बई आ नज़र मार खां जे को सिफारशी सिफारिश करना इन्हों की लिजाना चाहना नाल, तो कम अज़ कम एक एक फैमिली च एक हाफिज़ ते कारी ते यार लाजमी होना चाहिए ना। अहद करो अज बैठे बैठे, कोई हाथ नहीं उठाना, दिल अंदर अहद करो कि कम अज़ कम ज़्यादा होया ते दो चार पाँच सारे ही, मैं ते सारियां दा इरादा किया होया हाफिज़ां कारियां वास्ते इरादा किया सी, अल्लाह ने मेरे बेटे नूं 12 13 साल की उम्र च कुरान का कारी हाफिज़ बना दिता। तू भी इरादा कर, अल्लाह तेरे इरादे नू चार चांद ला देगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी हामिले कुरान और दे खवास ने ना कुरान पढ़ने दी और कारी कुरान दी फजीलत सुनदा जादरा। जामे तिरमिजी हदीस पाक दी किताब ना रावी हदीस अल्लाहु अकबर इमामुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ओ वीरे आज जुब्बियां कुब्बियां नाल वड्डे कद्दां नाल सोहणे कपड़ियां नाल सोहणियां जुत्तियां नाल ते सोहणी तेरी मंजिल ते दुनियावी मर्तबे दे नाल तेनू इज्जत नहीं मिलदी, इज्जत रब दे कुरान नाल मिलदी ए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद दा कद छोटा जिहा, हज़रत उमर फरमांदे ने असीं बैठे हुंदे अब्दुल्ला बिन मसूद खलोते हुंदे ते इक्को जिहे लगदे, कद एडा छोटा। लेकिन वड्डे वड्डे सहाबा नूं भी मसला पेश आंदा ना ते कहंदे कि उस्ताद जी अब्दुल्ला बिन मसूद दे कोल जाओ, की कहंदे? उस्ताद जी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कल जाओ, वह मुफस्सरे कुरान ने, वो तुहानू तफसीर समझाणगे, वो तुहानू मसला यानी इज्जत अल्लाह देंदा कुरान नाल। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। एक होर हदीसे पाक के दरमियान अंदर बयान करता जावां, ये रिवायत बाद अंदर बयान करांगा ना। एक कबीले दे अंदर लोग नमाज पढ़ना चाहते ने, मफहूम बयान करता जावां, नमाज दा टाइम हो जाता है, इधरों नमाज वास्ते वेखते ने ना किहड़ा बंदा जिहड़ा नमाज कराएगा नमाज पढ़ाएगा ना, नमाज पढ़ाने वास्ते कोई बंदा नहीं मिलता, एक छोटा जिहा बच्चा उहनू सब तो ज्यादा कुरान याद होंदा है। हाफिज़ जी तुसी अगे आ जाओ, सुभान अल्लाह, सारे वड्डे वड्डे पिछे, सरदार पिछे, कबीले वाले पिछे, सब पिछे, हाफिज़ जी अगे तशरीफ ले आओ,
छोटा बच्चा कली कमीज पाई हुई सुभान अल्लाह अगे आ जाते ने ये भी नन्ना सहाबी रसूले नन्ना सहाबी रसूले अल्लाह अकबर कबीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबी रसूल नमाज पढ़ाते ने ना जदों कमीज पहनी हुई शलवार नहीं पहनी हुई लंबी लंबा चोगा पहना होया जदों सजदे अंदर गए तो पिछों माइया कह लग गई कबीले दिया बीबिया औरतां बोलियां कह लगियां अपने हाफिज़ जी नूं कुछ पवा ते लवो फिर नमाज पढ़ लिया जे अल्लाह अल्लाह तेरे कपड़े भी चज दे ना होण अल्लाह तेनूं तौमी कुरान दी वजह करके इज्जत अता फरमा देवे अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह हजरत इब्ने मसूद वाली रिवायत सुनदा जा अल्लाह ते नबी ने फरमाया फरमाया जिन्ने रब दे कुरान विचों एक हरफ पढ़िया एक हरफ दे बदले उन्हों दस नेकियां मिल जांदियां एक एक हरफों दादा एक एक हरफों दादा नेकियां ने मिल दियां हुंदियां ने दूर जो सियाईयां ने दिल दियां एक एक हरफों दादा नेकियां ने मिल दियां हुंदियां ने दूर जो सियाईयां ने दिल दियां अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह एदे तो बाद हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने ना ए ना खणा के अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं 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 अलिफ अलग हरफे लाम अलग हरफे और मीम अलग गे अलिफ लाम मीम किनिया नेकियां मिलिया ती मैनू कल्ले ने कि तुहानू भी मिलिया नाल कुरान पढ़ना फर्ज नहीं है सुनना फर्ज हो जाता है अल्लाह अकबर जो पढ़ने वाले का सवाब है वह सुनने वाले का सवाब है अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अगे सुन दिया जाना जामे तिरमजी शरीफ की रिवायत अजनबी दिया हदीसा का फरमार वैसे भी अक्सर मेरी कोशिश होंगी कि ज्यादा हदीस ही बयान करा या कुरान हो या सुने नबी का फरमान बयान हो जाए जुमे का खासा आम तकरीर के अंदर तो होर भी गल् हो जाया कर दया ने सुनता जा जरा जामे तिरमजी की रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते ने अल्लाह नबी ने फरमाया फरमाया कयामत वाले दिन साहेबे कुरान नू कारिये कुरान नू कहा जाएगा आखिया जाएगा ना के कुरान पढ़ता जा ते जन्नत दे दराजात चढ़ता जा जिवें दुनिया दे अंदर तू ठहर ठहर करके कुरान पढ़िया करदा से इत्थे भी ठहर ठहर के कुरान पढ़ना है जेड़ा तेरा आखिरी ठिकाना होएगा ओही तेरी मंजिल होएगी ते उतों तक ही तेरी जन्नत होएगी जन्नत नु की समझते हो जन्नत इको हदीस हदीसे मुबारक हदीसे पाक अल्लाह दे नबी ने फरमाया बुखारी पाक अंदर रिवायत मौजूद फरमाया हर जन्नती नु जमीनों आसमान दा खला दस मरतबा ना पिया जाए ते इन्नी उनु जन्नत आता फरमाई जाएगी किस जन्नती नू हदीस पाक दे दूसरे अल्फाज इन्हें के अदना दर्जे दे जन्नती नू छोटे नू कुराने पाक दी कोरा है वनईमाऊं वमुल्कन कबीरा नहीं समझिया हर जन्नती बादशाह होएगा आ छोटा जा पाकिस्तान छोटा जा मालदीव आ छोटे छोटे मुल्क तो इतों वाले बादशाह बने फिरते ने तो जिन्हों छोटे जन्नती नू जमीनों आसमान का खिलाफ दस मरतमा माप के जन्नत मिली तो बादशाह नहीं होएगा हर जन्नती बादशाह होएगा ते कारिये कुरान ते वड्डा ही बादशाह होएगा सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा मुस्लिम शरीफ अंदर रिवायत मौजूद है ना हजरत आमिर वासला आमिर बिन वासला बयान करते ने ना हजरत नाफे बिन अब्दुल हारिस ये जड़े मक्का दे हाकम सन उस वक्त हजरत उमर फारूक दे दौर अंदर ये हजरत उमर असफान नामी जगह ते असफान नामी मुकाम ते मिले ने ना उत्थे हजरत उमर पुछदे ने ना कहंदे ने तू इत्थे आ गया है अहले मक्का ते अपना जानशीन किन्नू मुकर्रर करके आया है ना हजरत नाफे बिन अब्दुल हारिस बयान करदे ने जी मैं इबन अबजा नू फरमाया कौन इबन अबजा फरमाया ओ साडे आजाद करदा गुलामा विचों इक गुलाम है हजरत उमर फरमांदे ने तू अहले मक्का ते
चौधरी सारे मक्के आले, तू अगले मक्का ते तू गुलाम नू हाकम बना के आ गए। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। हजरत नाफे बिन अब्दुल्ला अरस भी फरमाते ने ना, अर्ज करते ने कहते ने, ए प्यारे उमर जी इबने अबसा ओ अल्लाह दी किताब दा कारी है, एदे फराइज दा आलिम है, कल्ला कारी नहीं साढ़े वर्गा, कल्ला कारी नहीं, एदे फराइज दा आमिल भी है ना, यानी कुरान ते अमल करने वाला है ना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने, अच्छा ऐसा है, अच्छा ये गल है। फिर अल्लाह हजरत उमर फरमाया, मेरे को सुन नबी दी हदीस, सुभान अल्लाह, सुन मेरे को नबी दा फरमान नाफे। अल्लाहु अकबर, मक्के दा हाकम आजाद करदा गुलाम बन सकदा है? मक्के दा हाकम आजाद करदा गुलाम कुरान दा कारी होवे, हाफिज होवे, भवे गुलाम आजाद कीता होवे, वो हाकम बन सकदा है? लेकिन मेरा तेरा मुल्क पाकिस्तान जिन्हों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नाम ते हासिल कीता गया। मैं पिछले दिनों अखबार अंदर पढ़िया, लिखिया सी ना जी, हाफिज़े कुरान खे जज नहीं बन सकता, हाफिज़े कुरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता, हाफिज़े कुरान सदर नहीं बन सकता, हाफिज़े कुरान वजीर आजम नहीं बन सकता, हाफिज़े कुरान कुली दियो दियां ते नहीं बैठ सकता। क्यों जी? किधरे हाफिज़े कुरान आ गया तो शराबियां नू सजा होएगी, जानियां नू सजा होएगी, सूद दा निजाम खत्म करेगा, जुल्म दा खातिमा करेगा, अल्लाह दे कुरान दा निफाज करेगा, चाहिदा ही नहीं। मेरी इस बात नाल कई लोग इत्तेफाक करेंगे, पुराने अखबार उठा के देख लो, बिल्कुल खबर मिलेगी, गूगल सर्च कर लो, खबर मिलेगी, हाफिज़े कुरान जज नहीं लग सकता। बड़ी बहस हुई सी इस बात पे, हाँ हाँ, लेकिन मक्के अंदर गुलाम इबने यानी आज़ाद करदा जेड़ा गुलाम सी, वो हाकम मक्के दा लग सकदा सी, जिथे सारे ही चौधरी सन, वो वड्डे वड्डे चौधरी जिन्हां ते डायरेक्ट अरशां तो नबी नाजल होए सन, यानी कि नबी नाजल होए, नबी ते नबुवत अरशां तो नाजल हुई और रब दा कुरान अरशां तो नाजल होया। अल्लाहु अकबर कबीरा, उस जगह ते एक गुलाम कुरान दी बरकत नाल, कुरान दी बरकत नाल दे फराइज ते अमल करन दी वजह तो ओ लग सकदा है मक्के दा हाकिम, जेड़ा पता नहीं किन्ने हजारा मील दूर पाकिस्तान अंदर नहीं लग सकदा, जेड़ा मदीने तो बाद मदीने दे नाम ते दूसरी रियासत बनी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, फरमाया सुनो नबी दा फरमान। अल्लाह दे नबी नू फरमांदे आ, मैं सुनिया इना हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरी। अल्लाहु अकबर, इस कुरान दी वजह करके अल्लाह ने सानू इज्जत अता फरमाइया, अल्लाह ने सानू बुलंद कर चढ़िया, इन्हां कौमां नू अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई है। लेकिन दूसरियां नू जिहड़े कुरान दे आखे नहीं लगे, अल्लाह ने उन्हां नू तबाहो बर्बाद कर छड़िया, जाया फरमा दिता है ना। अल्लाह गल्ला मुस्लिम शरीफ दी हदीस, हजरत अबू हुरैरा रावी ने ना अल्लाह दे नबी ने फरमाया, फरमाया अल्लाह किसी चीज़ वास्ते एवें कन ला के कन नहीं लगांदे जिवें उस नबी वास्ते कन लगांदे ने ना, जेड़ा नबी खुश आवाज नाल अच्छी आवाज नाल रब रब दा कुरान पढ़दा है। मैं इंज कहांगा के पूरी कायनात विचों सारियां आवाजा एक पासे मेरे मुहम्मद अरबी दी आवाज एक पासे, जदों हुजूर कुरान पढ़दे होणगे अल्लाह पाक कन ला के कुरान सुनते होंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। दूसरी रिवायत बरा इब्ने आज़म और रिवायत बयान करता जावा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी हदीस पाक है ना, अल्लाहु अकबर फरमाया, ज़य्यिनु ज़य्यिनु ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान नु सुना करो, कुरान नू खूबसूरत आवाज नल अपनिया आवाजा नल, कुरान नू चार चंद ला देवो, यानी कुरान नू अपनिया आवाजा नल मुजय्यन करके पढ़ो, ये तर्जुमा बनेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। दारमी दी रिवायत फरमाया, बेशक खूबसूरत आवाज कुरान दे हुसन नू एदी खूबसूरती नू दुबाला कर दी,
एक कुरान पढ़ रहा हो बंदा नॉर्मल अंदाज अंदर, एक पासे कुरान कारी है कुरान सोहनी आवाज नाल एदे मखरज दा तलफुज दा एक्सेंट दा लुहून अल अरब दे मुताबिक कुरान पढ़ रहा होवे ज्यादा मजा वो करा रहा होगा जेड़ा सोहनी आवाज नाल कुरान पढ़ रहा होगा। अल्लाहू अकबर अल्लाह 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 दे नबी ने फरमाया फरमाया लैसा मिन्ना, ओदा साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं कोई ताल्लुक नहीं, वो हम में से नहीं है। कौन या रसूल अल्लाह? फरमाया मल्लम यतगन्ना बिल कुरान, फरमाया जेड़ा कुरान नू सोहनी आवाज नल सोहनी ते प्यारी आवाज नल नहीं पढ़दा वो साडे विचो नहीं है। अकूल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।